स्वास्थ्य साथ है तो सफलता साथ है। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं काजल शाह, मैं कोलकाता के खन्ना हाई स्कूल पॉडकास्ट में 11वीं कक्षा की विद्यार्थी हूँ और आज मैं आप सभी के सामने अपनी एक छोटी सी भाषण लेके आई हूँ। मेरे भाषण का शीर्षक है, सर्दियों में जरूरी है बच्चे के स्वास्थ्य का देखभाल। जानते हैं कि भारत देश में कई ऋतु होती है, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, ठीक उसी प्रकार एक और ऋतु है, वो है सर्दी वाली ऋतु, शीत ऋतु। शीत ऋतु, शीत ऋतु में बच्चों का देखभाल रखना बेहद ही ज्यादा अनिवार्य है। अब बात आती है कि बच्चों का देखभाल हम कैसे रख सकते हैं। तो पहला है कि बच्चों को हमें ज्यादा से ज्यादा फाइबर युक्त भोजन कराने हैं। इससे क्या होगा, बच्चे की रोग प्रतिरोधक की क्षमता बढ़ेगी और वो सर्दियों में भी सुरक्षित रह पाएंगे। दूसरा है गर्म कपड़ों को पहनाना। गर्म कपड़े कहने का मतलब है कि आप स्वेटर पहना सकते हैं, मोटे मोटे कपड़े पहना सकते हैं। इससे क्या होगा, बच्चे सर्दियां जैसी कठिन मौसम से आराम से रह सकते हैं और इस कठिन मौसम से बच्चों को हम बचा सकते हैं। तीसरा सबसे जरूरी, अब आता है हमारा भोजन। अगर हमारा खान पान जैसा रहेगा वैसे हमारे शरीर में परिवर्तन आता है, ठीक उसी प्रकार हमें क्या करना है कि सर्दियों की मौसम में बच्चों को अच्छे अच्छे सब्जियां फलों का सेवन कराना है। हमें प्रतिदिन प्रतिवर्ष ही कराना चाहिए लेकिन सर्दियां में अत्यधिक कराना चाहिए। तो हमें जैसे कि आप बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स, सेब खिला सकते हैं, अनार खिला सकते हैं, बहुत सारे ऐसे जो पोषण युक्त हो जिससे बच्चों के अंदर रोग प्रतिरोधक की क्षमता बढ़े, तो आप इनका सेवन कर सकते हैं। चौथा बेहद ही जरूरी वो है, बच्चों को पूरी नींद लेने दे। जैसे कि अगर जो बच्चे 5 साल से 13 साल तक है उन्हें 9 से 11 घंटे तक सोने दे, क्योंकि सर्दियाँ की जो मौसम होती है उन पर अत्यधिक प्रभावशाली होती है। तो बच्चों को अगर सुरक्षित करना है तो हमें चौथा सबसे जरूरी बात, उन्हें पूरी नींद हमें लेनी देनी चाहिए। पाँचवा सबसे इम्पोर्टेंट कि हमें बच्चों को हल्दी का दूध पिलाना चाहिए। आप थोड़ा दूध गर्म करके अगर आप हल्दी मिला लीजिएगा, सबसे ज़्यादा फायदेमंद होता है कच्चा हल्दी, आप मिला लीजिएगा तो इससे अगर आप बच्चों को पिलाते हैं तो बच्चे सर्दियाँ जैसी ऋतु से बहुत आसानी से लड़ सकते हैं और इस सर्दियों में बहुत सुरक्षित रह सकते हैं। 6 नंबर सबसे महत्वपूर्ण, आप जितना हो सके जुकाम के लिए आप सरसों का तेल उपयोग करें। हम जानते हैं कि सरसों का तेल से हम बड़े से बड़े जुकाम को भी सुरक्षित कर सकते हैं क्योंकि घरेलू उपाय। बात आता है कि हम किस प्रकार से कर सकते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सबसे पहले क्या करना है, सरसों का तेल लेना है 1 चम्मच या आप एक छोटा सा कटोरा से ले सकते हैं। दूसरी बात क्या है, आपको एक लहसुन की कली लेनी है, लौंग लेनी है, 1 चुटकी अजवाइन का पाउडर लेना है और सबसे जरूरी इन सभी को 1 मिनट तक गर्म कीजिए, लेकिन लहसुन जलनी नहीं चाहिए। इससे अगर आप बच्चों की मालिश करते हैं तो वो सर्दियों जैसे जुकाम से बहुत आसानी से बच सकते हैं और अपने स्वास्थ्य को वो कुशल मंगल रख सकते हैं। तो आप सभी के सामने मेरी छोटी सी भाषण प्रस्तुत थी, आप सभी ने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद।